नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप्सी की दुनिया में। कैसे हैं आप सब? तो आज हम कोई भी बॉल बुट्टी से क्राफ्ट बनाने के लिए डो बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए एक प्लेट ले लें और बॉल बुट्टी ले लें, थोड़ा सा पानी ले लें। अब उतना जितना आप क्राफ्ट बनाएं उस हिसाब से बॉल बुट्टी ले लें, पाउडर ले लें इस तरह से बॉल बुट्टी का, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरह से गूंथते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा भी पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो एकदम गीला हो जाएगा। और इसी तरह से बॉल पुट्टी के पाउडर को गीला कर लेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही पानी डालते हुए। इसी तरह से सारा इकट्ठा कर लेंगे हाथों के साथ इस तरह से। और आपको लगेगा हाँ डो बन ही नहीं रहा है। जब पहली बार मैंने भी बनाना सीखा था तो मैं भी डर गई थी, मैंने ये तो बन ही नहीं रहा है, पर ये बन जाएगा। ये देखिए पूरा पाउडर एकदम गीला हो गया है। अब इसको हाथों में ले लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, इस तरह से दबाएंगे, ये देखिए, और बिल्कुल आसानी से डो बन जाएगा। डरने की तो बात ही नहीं है, और आप क्राफ्ट बना सकते हैं फिर अच्छे से। ये देखिए इस तरह से कर लेंगे, और हाथ तो गंदे होंगे ही, तो डरने की कोई बात नहीं है। जब कोई क्राफ्ट बनाएंगे तो हाथ तो गंदे होंगे ही, तो इस तरह से हाथों की सहायता से इस तरह से करेंगे, और आपको लगेगा हाँ बनने लगा डो, और आप खुश हो जाएंगे। पहली बार मुझे भी ऐसा ही लगा था, फिर जब डो बनने लगा तो मैं भी खुश हो गई, और ये देखिए बन गया। तो इसी तरह से हम करते जाएंगे। और हाथों की सहायता से इस तरह से करते ही जाएंगे, जितना भी हम इसको इस तरह से मलेंगे और इस तरह से पटकेंगे तो बहुत ही अच्छा डो बनेगा। से पटकते जाएं, पहले भी वॉल पुट्टी का डो कैसे बनाते हैं मैंने बता चुकी हूँ, पर मैंने सोचा चलो एक वीडियो ही डाल देते हैं इस तरह से। शायद और प्लांटर बनाया था उसमें बताया था। तो इस तरह से पटकते जाएं, देखिए इस तरह से पटकते जाएंगे, और हाथों से इस तरह से करते जाएंगे। जितना ही इसको पीटोगे उतना ही अच्छा बनेगा, और हमारा क्राफ्ट भी अच्छा बनेगा। और ये देखिए देखिए बिल्कुल सही हो गया ना। आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा गीला है तो आप इस तरह से बॉल पुट्टी का पाउडर डाल सकते हैं और इस तरह से कर सकते हैं। फिर से इस तरह से हाथों की सहायता से करते जाएं इस तरह से, और पटकते भी जाएं, आपका डो बन के रेडी हो जाएगा। देखिए ऐसे करते जाएंगे, ये ना एकदम परफेक्ट। जितना पटकोगे ना उतना ही अच्छा बनेगा। और ये देखिए बन गया। और ये बच्चों के क्ले कटर पड़े हुए थे, और मोल्ड भी आते हैं तो आप उनसे ही बना सकते हैं। और एक गीला कपड़ा ले लें, उसका पानी सारा निचोड़ लें, और फिर इस तरह से रख लें। कॉटन का कपड़ा लें, तो ये ड्राई नहीं होगी। ये देखिए 2-3 घंटे आराम से चल जाएगी वॉल पुट्टी। तो इस तरह से हम क्राफ्ट बना सकते हैं। ये देखिए फ्लावर बनाया है मैंने, और अब मैं बताती हूँ कटर से भी इस तरह से हम कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये फिश बना रही हूँ इस तरह से, ये देखिए बन गई ना। तो इसी तरह से बना लेंगे, और मोल्ड भी आते हैं तो उससे भी आप अपने डिजाइन बना सकते हैं। फ्लावर पत्तियाँ वो सी डिजाइन में आती हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए जैसे भी हम बना सकते हैं, और हाथों से भी हम बना सकते हैं, तो जैसे आपको बनाना पसंद हो उससे बना लें।
ये देखिए बन गया ना फ्लावर फेस। तो इसी तरह से हम बना सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ये देखिए फ्लावर बन गया। तो मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू एंड बाय बाय।